नमस्कार, सिरोही जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा कंसारा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, भालू के हमले से घायल महिला का हुआ सफल ऑपरेशन। उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति को निरस्त करने के लिए भेजा ज्ञापन। पालिका उपाध्यक्ष ने जन सुनवाई के दौरान जानी वार्ड वासियों की समस्याएं। युवाओं ने मनाई स्वामी विवेकानंद की जयंती। कांग्रेस प्रभारी रामलाल जाट का किया स्वागत। विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन द्वारा स्वेटर व मास्क वितरित। स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में अभिभावकों को दी जानकारी। संकल्प दिवस पर जरूरतमंदों को कराया भोजन। पार्षद सिंह के प्रयासों से गांधी नगर पार्क का होगा उद्धार। अब समाचार विस्तार से। भालू के हमले से घायल महिला का हुआ सफल ऑपरेशन। आबू रोड से लेके अहमद की रिपोर्ट के अनुसार इन दिनों जंगल में खाने की कमी को लेकर भालू एवं अन्य जंगली जानवरों ने रहवासी इलाकों में आना शुरू कर दिया है। इस कारण कई बार ये भालू खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर हमला कर देते हैं। इसी के चलते सोमवार को रेमेला पंचदेवल गांव निवासी राज की पत्नी प्रभु राम ने अपने खेत में कार्य कर रही थी, उसी दौरान एक भालू ने उस पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। महिला के चीखने चिल्लाने पर समीप के लोगों ने भालू से महिला को छुड़वाया व घायल महिला को आबू रोड ग्लोबल ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर महिला का तुरंत ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर अलीन ने बताया कि महिला की हालत बहुत नाजुक होने के कारण करीब 4 घंटे लगातार ऑपरेशन चला। उसके बाद महिला को आईसीयू में रखने के बाद उसे आज जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। समय पर उचित इलाज मिलने से गरीब महिला का जीवन बचाया जा सका। उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति को निरस्त करने के लिए भेजा ज्ञापन। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति निरस्त करने के लिए नगर पालिका कांग्रेस पार्षद सुमित जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर कमेटी को निरस्त करने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि स्थानीय उपखंड सतर्कता कमेटी का गठन राज्य स्तर से होना प्रस्तावित है। इसके बावजूद उपखंड अधिकारी अपने हट द्रमिता को दिखाते हुए पूर्व नियुक्त पदाधिकारियों को हटाकर सभी भाजपा पदाधिकारियों को कमेटी में सदस्य नियुक्त कर नई कमेटी का गठन किया गया है, जो नियम व विधि के विरुद्ध है। पार्षद जोशी ने कमेटी को निरस्त करने व नियुक्त किए गए भाजपा पदाधिकारियों के चयन व कांग्रेस पदाधिकारियों को हटाने की एक उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। पालिका उपाध्यक्ष ने जन सुनवाई के दौरान जानी वार्ड वासियों की समस्या। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबूरोड नगर पालिका अध्यक्ष बगनदान चारण के निर्देश पर पालिका उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा द्वारा वार्ड नंबर 22 तथा 24 में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। पालिका उपाध्यक्ष ने घर घर जाकर वार्ड वासियों की समस्या को जाना एवं आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा। इस मौके पर ज्योतिष कार्तिकेय सिंह, कुश शर्मा, ऋषि गुरु चतुर्वेदी, रितेश सिंह, अंकित सिंह, मंगल राव, दिनेश, अश्विन समेत कई वार्डवासी उपस्थित रहे। युवाओं ने मनाई स्वामी विवेकानंद की जयंती। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार पोसौलिया में आज प्रातः 10 बजे स्वामी विवेकानंद सेवा समिति द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ युवा प्रतिनिधि राव प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में हुआ। राव ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद की जीवनी पुस्तक वितरित की गई एवं स्वामी जी के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया गया। महिपाल सिंह चौहान ने बताया कि 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। हर साल 12 जनवरी को के दिन ही राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। इस मौके पर प्रवीण सिंह देवड़ा, स्वरूप सिंह, उत्तम सिंह देवड़ा, इंद्र सिंह देवड़ा आदि मौजूद थे। इसी प्रकार लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड रॉयल राजस्थान पब्लिक स्कूल में कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ शिक्षकों की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। विद्यालय के चेयरमैन दीपक पाठक ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुभकामना देते हुए स्वामी विवेकानंद के जीवन पर और विचारों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के विचार उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, तब को आत्मसात करने का आह्वान किया। विद्यालय के शिक्षक गण एवं कार्यकारियों ने जिसमें शिल्पा बुथेलो, एजविना बेनेटी, स्वाति बुधानी, भरत कुमार सुतार व मनोहर सिंह राजपूत ने पुष्पांजलि अर्पित की।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विमल पॉलीमर्स, क्वालिटी हमारी भरोसा आपका, मजबूत टिकाऊ चले सालों साल। ओरिएंट टैंक और पाइप, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ओरिएंट का वादा शुद्धता व मजबूती ज्यादा। ओरिएंट ग्रुप विमल पॉलीमर्स जयपुर, कस्टमर केयर नंबर 9772336609 व मोबाइल नंबर 8003532331। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रभारी रामलाल जाट का किया स्वागत। लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल एवं पार्षदों द्वारा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व जोधपुर जोन के कांग्रेस के प्रभारी रामलाल जाट के सिरे आगमन पर अबूरोड कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा किए गए कार्य एवं संगठनों के बारे में चर्चा की गई। जाट ने कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर हर वार्ड में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने को कहा। कार्यक्रम में अबूरोड से पार्षद भवनीश बारोट, पूर्व पार्षद नवीन सांकला, योगेश सिंगल, माधव मारू, दामोदर धानका, यूथ कांग्रेस के योद्धा सिंह, शकील कुरेशी, एजाज खान, मुकेश जिंगर आदि कार्यकर्ता मौजूद। विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन द्वारा स्वेटर व मास्क वितरित। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन सिरोही की ओर से चलाए जा रहे अभियान एक कदम उजाले की ओर की कड़ी से मास्क एवं स्वेटर वितरित किए गए। संयोजक गोपाल सिंह राव के अनुसार विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन की जिला अध्यक्ष आशा देवड़ा, संरक्षक अमित सिंह देओल, सह सचिव सविता कुमारी गर्ग, शबनम बानो की तरफ से डिंगार गांव के घाटी फली एवं गरासिया फली में बच्चों को स्वेटर एवं मास्क वितरित किए गए। संस्था की अध्यक्ष आशा देवड़ा द्वारा एकत्रित अभिभावक व बालकों को मिशन के लक्ष्य एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम स्थल पर संस्था के कोष प्रमुख भवर सिंह मेड़तिया, गणगौरी मीणा एवं गांव के अन्य ग्रामीण मौजूद थे। स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में अभिभावकों को दी जानकारी। लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय तरतोली में स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। स्कूल प्रधानाध्यापक वरुण गौतम ने बैठक में बताया कि सभी सदस्यों को राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालय खोले जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 50% विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए विद्यालय के दायित्वों के साथ अभिभावक और विद्यार्थियों के दायित्वों पर चर्चा की गई। बैठक में शैक्षिक व भौतिक सुविधाओं के लिए योजना बनाकर प्रस्ताव लाया गया। बैठक में पूर्व सरपंच लक्ष्मण राणा, बबूतमल परमार, जब्बर सिंह, इंदिरा सहित समिति के सदस्य मौजूद। संकल्प दिवस पर जरूरतमंदों को कराया भोजन। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार आज स्वामी विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस तथा संकल्प दिवस पखवाड़े पर आज दक्षिण मेघवाल वास की झुकी झोपड़ियों में फल वितरित कर 101 जरूरतमंदों को संगठन ने भोजन कराया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सदस्य गोपाल सिंह राव ने बताया कि संगठन 12 जनवरी से 23 जनवरी तक प्रति वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती से सुभाष चंद्र बोस जयंती के मध्य संगठन संकल्प दिवस कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाता है। इसी के चलते आज सिरे नगर के दक्षिण मेघवाल राजबस्ती की झुकी झोपड़ियों में फल वितरित किए तथा इंदिरा रसोई में 101 लोगों को संगठन की तरफ से भोजन कराया गया। पार्षद सिंह के प्रयासों से गांधीनगर पार्क का होगा उद्धार। लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अबूरोड भाजपा नेता व पार्षद अर्जुन सिंह के प्रयासों से गांधीनगर पार्क का उद्धार होगा। पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण एवं पार्षद अर्जुन सिंह की उपस्थिति में आज कार्य का शुभारंभ हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण ने जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण गांधीनगर क्षेत्र के एकमात्र पार्क के विकास एवं निर्माण कार्य को लेकर पालिका प्रशासन ने टेंडर जारी कर टेंडर स्वीकृत कर कार्य आदेश जारी कर दिए थे, जिससे आज मौके पर ठेकेदार द्वारा कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। पार्क में 12 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। ठेकेदार को ही 1 वर्ष तक रखरखाव भी करना होगा। वही ठेकेदार को हर हाल में 4 माह में बगीचे का निर्माण व विकास कार्य पूर्ण करना होगा। पार्षद अर्जुन सिंह ने पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण एवं अधिशासी अधिकारी विनोद बंसल का धन्यवाद आभार ज्ञापित किया।
और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सूर्य शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय खबरों फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय श्री कृष्ण।